खबर राजौत से। खोजी पत्रकार जीतू भाई सोनी पर लादे गए फर्जी मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर पत्रकारों ने थाना प्रभारी राजौत को महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन ज्वाला प्रसाद शर्मा ने किया। ज्ञापन में उल्लेख किया कि संझा लोकस्वामी अखबार के प्रधान संपादक एवं खोजी पत्रकार जीतू भाई सोनी पर पूर्व की कमलनाथ सरकार ने द्वेष भाव से कार्रवाई करते हुए बर्बाद कर दिया। जीतू भाई सोनी और उनके परिवार पर मनमाने झूठे मुकदमे लाद दिए गए। जीतू भाई सोनी ने हनी ट्रैप मामले में लिप्त उच्च अधिकारियों की अश्लील करतूतों को संझा लोकस्वामी अखबार में छापना शुरू कर दिया था। इससे नाराज होकर पूर्व की कमलनाथ सरकार और तत्कालीन अधिकारियों ने जीतू भाई सोनी को 1,60,000 का इनामी घोषित कर दिया और दर्जनों फर्जी मुकदमे उन पर लाद दिए। जीतू भाई सोनी निष्ठावान खोजी पत्रकार हैं, अपराधी नहीं। उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप एवं फर्जी मुकदमों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच कराई जाए जिन्होंने जीतू भाई सोनी पर फर्जी मुकदमे लादने में कर्तव्यहीनता का परिचय दिया है। उन्हें भी न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर हम राजौत के पत्रकार महामहिम राज्यपाल महोदय की सेवा में उपस्थित हुए हैं और आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए माध्यम बनाया है श्रीमान थाना प्रभारी राजौत को। इस दौरान सरदारपुर से मोहन यादव, ज्वाला प्रसाद शर्मा, मनोज बैरागी, बरमंडल से मनोज बुंदेला, मनीष पवार, लाबरिया से धर्मचंद दैया, सुनील तुकारिया, लोकेंद्र सिंह सोलंकी, दिनेश शर्मा, शुभम चौहान, राजौत से रमेश चंद्र रजक, अशोक नायमा, आजाद अग्निहोत्री, पवन वीर, सागर सोलंकी, गोवर्धन कावलिया, राहुल राठौड़, कन्हैया लाल नायमा, यामिन मंसूरी, राजेंद्र सिंह सोलंकी आदि पत्रकारगण उपस्थित थे। राजौत से राजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।